दोस्तों, कहा जाता है अगर इंसान सबसे ज्यादा किसी चीज से डरता है तो वो है सांप, जो एक झटके में किसी भी इंसान को खत्म कर सकता है। आप सभी ने दुनिया के कई जहरीले सांपों को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े सांपों से मिलवाने वाले हैं। कुछ ऐसे सांप जो एक बार में गाय, भैंस, बकरी जैसे बड़े जानवरों को आसानी से निगल सकते हैं। नंबर 10, ब्राजील रिवर एनाकोंडा। दोस्तों, एक बार ब्राजील के नदी पर कुछ लोग घूमने निकले थे। वहां उनका सामना विशालकाय एनाकोंडा से हुआ, जो कि नाव के आसपास घूम रहा था। इस एनाकोंडा का पेट फुला हुआ था। उसे देख पता लग रहा था कि इसने हाल ही में किसी विशालकाय जानवर को अपना निवाला बनाया था। इस वीडियो में नाव चला रहा आदमी काफी बार सांपों को पकड़ने की कोशिश करता है। इस वीडियो को कई न्यूज चैनल ने भी कवर किया। इसके बाद नाव में सवार तीनों आदमियों को सांपों को परेशान करने की वजह से $600 फाइन भरना पड़ा था और 16 मंथ की जेल भी हुई थी। नंबर 9, मलेशियन पाइथन। दोस्तों, दुनिया के सबसे लंबे पाइथन के मिलने के 3 दिन बाद अंडे देने के दौरान इस सांप की मौत हो गई थी। मलेशिया में ये पाया गया ये सांप एक ट्रक से भी लंबा था। आमतौर पर ऐसे ट्रक 90.3 फीट के होते हैं, और साथ ही ये सांप पिछले सांप से भी लंबा था, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिया गया था। नंबर 8, कॉन्गो स्नेक। दोस्तों, ये सांप अफ्रीका के कॉन्गो के जंगल में एक पायलट ने देखा था। जब उन्होंने देखा ये जीव असल में बहुत बड़ा सांप है, तभी उन्होंने ऊंचाई से इसकी फोटो ली। जैसे ही वो अपने हेलीकॉप्टर से सांप के पास पहुंचे, तो सांप ने उनके हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। इस तस्वीर को देखकर सांप की लंबाई का अंदाजा लगाया गया तो पता लगा कि ये सांप लगभग 100 फीट लंबा होगा। नंबर 7, द नबाऊ। दोस्तों, अफ्रीकन लोगों की कहानियों के अनुसार नबाऊ एक बहुत ही डरावना सांप है, जिसकी लंबाई 100 फीट से भी ज्यादा है। नबाऊ का सिर पूरी तरह ड्रैगन के तरह होता है, और इसके मुंह पर सांस लेने के लिए 7 नाक होती है, जो उसे देखने में और भी ज्यादा डरावना बना देता है। यहाँ के लोकल लोग जो आदिवासी है, बैरनियों के भिलाई रिवर के पास रहते हैं, उनका कहना है कि ये सांप दानव की तरह काफी डरावना है। वही अपनी मर्जी से रूप परिवर्तित भी कर लेता है। उसके सांप वाले रूप से भी देखने की कई लोगों ने बात की है। नंबर 6, किंग कोबरा। क्या आपने कभी सोचा है कि किंग कोबरा को सांपों का राजा क्यों कहा जाता है? आखिर पूरी दुनिया इन्हें देखकर क्यों डर जाती है? आपका सोचना बिल्कुल सही है। ये दुनिया के सबसे जहरीले सांप होते हैं। अगर किसी को इन्होंने डस लिया तो उसका बचना इम्पॉसिबल है। ये 10 फीट से लेकर 13 फीट तक लंबे होते हैं। हालांकि दुनिया का सबसे लंबा सांप 18 फीट 9 इंच का पाया गया है। इसे इंडोनेशिया में पकड़ा गया था। अभी इसे लंदन में रखा गया है। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये एक बार में 7 ml जहर अपने मुंह से उगलता है? अगर इस सांप ने किसी इंसान को काट लिया तो समझ लीजिए कि 30 मिनट के अंदर उसकी मौत तय है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये अगर एक हाथी को काट ले तो वो 3 घंटे के अंदर अपना दम तोड़ लेता है। यही वजह है कि इसे सांपों का राजा कहा जाता है। नंबर 5, ब्लैक मांबा। दोस्तों, ये सांप दुनिया के जहरीले सांपों में से एक है। ये सांप अफ्रीका के सहारा जंगलों में पाए जाते हैं। इन्हें इनके ब्लैक कलर के जबड़े के लिए भी जाना जाता है। इस ब्लैक मांबा को चूजे खाना बहुत ज्यादा पसंद है। ये सांप तकरीबन 6 फीट से 9 फीट तक लंबे होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये इंसानों से ज्यादा लंबे होते हैं। हालांकि अफ्रीका में एक बार 14 फीट लंबा ब्लैक मांबा भी देखा जा चुका है। ये सांप जब किसी को बाइट कर लेता है तो उसे बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट होते हैं। ये 1 घंटे में 12 माइल तक बिना थके बिना रुके भाग सकता है। कहा जाता है कि ये अफ्रीका के रेगिस्तान में ज्यादा रहते हैं, लेकिन कई बार इन्हें शहरी इलाकों में भी देखा जा चुका है। हर साल अफ्रीका में 2 से 3 हजार लोग इस सांप के काटने से मारे जाते हैं। आज तक इस सांप के डसने के बाद कोई भी इंसान बच नहीं सका। नंबर 4, वाशी। दोस्तों, ये भी अफ्रीका में पाए जाने वाला एनाकोंडा की प्रजाति है। इनकी लंबाई नॉर्मल एनाकोंडा जितनी ही होती है, लेकिन इसके बावजूद ये कोई कम खतरनाक सांप नहीं होते। आपको बता दे, ये एक बार अमेरिका के शहर में देखे गए थे।
इसे नदी के किनारे एक पुलिस ऑफिसर ने देखा था। कहा जाता है कि ये सांप लोगों को निगल लेते हैं। जब लोगों ने इसे देखा तो वहाँ के लोग इतना डर गए कि वहाँ सभी लोग उस एरिया को खाली कर चले गए। नंबर 3, रेटल स्नेक। दोस्तों, रेटल स्नेक भी दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। कहा जाता है अगर इस सांप ने किसी को जकड़ लिया तो उसकी मौत बेहद दर्दनाक होती है। ये हद से ज्यादा बड़े और शक्तिशाली होते हैं। ये कहानी भी अमेरिका के फ्लोरिडा की है, जहाँ पर चिड़िया पकड़ने वाले लोग जब जंगल में गए थे तो उन्हें ये देखा और उनकी फटकर चार हो गई। ये सांप हद से ज्यादा बड़ा था। इस सांप को हमलावर भी माना जाता है। नंबर 2, बिग स्नेक ऑफ कॉन्गो फॉरेस्ट। दोस्तों, एक बार अमेरिका के ही कुछ एनिमल हंटर हेलीकॉप्टर से कॉन्गो देश के जंगल के ऊपर से गुजर रहे थे, तब उन्हें ये 52 फीट लंबा सांप दिखा। इसे देखकर उन सब के होश उड़ गए। यह अपने में बिल्कुल यूनिक सांप था। इसके ऊपरी बॉडी पार्ट का हिस्सा काला था पर निचली पार्ट सफेद था। इसे देखकर इन्हें लगा कि इस अनोखे सांप को पकड़ लेना चाहिए, लेकिन जैसे ही इन्होंने कोशिश की तो बदले में सांप ने इन पर हमला कर दिया। बाद में सभी को लगा कि अपनी जान बचाकर भागने में ही फायदा है और उन्हें जंगल छोड़कर भागना पड़ा। वैसे सोचिए, इस सांप ने बिना डरे इतने लोगों पर हमला कर दिया तो ये वाकई में खतरनाक ही होगा। नंबर 1, 33 फीट एनाकोंडा। दोस्तों, यह एनाकोंडा ब्राजील में साइट कंस्ट्रक्शन के दौरान देखा गया था। जब वहाँ खड़ी एक इमारत को गिराया गया था तो वहाँ गिरा मलबा अपने आप हिलने लगा। जब मजदूर आगे बढ़े तो उन्हें बेहद ही बड़ा एनाकोंडा दिखाई दिया, जिसे देखने के बाद सभी दूर भागने लगे। वही एक इंजीनियर ने बड़ी सूझबूझ से सांप की पूंछ को बांधकर एक क्रेन से उठा लिया, लेकिन सांप की लंबाई ज्यादा थी, जिस वजह से सांप का मुंह अभी भी जमीन पर लग रहा था। इस सांप का वीडियो भी रिकॉर्ड की गई थी, जिससे इस विशालकाय सांप को देखा गया था। इस सांप की लंबाई 33 फीट थी और मोटाई 31 इंच थी और वजन लगभग 400 किलो था। लेकिन ये सांप के ऊपर मलबा गिरने के वजह से जिंदा नहीं बच सका। लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की रचना कितनी अद्भुत है और अनोखी है। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।